नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथआलोक में। मैं रवि तिवारी एक और महत्वपूर्ण रटलो श्रृंखला के साथ। यह रटलो सीरीज उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। 40 प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित हम लगभग लगभग 100 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप कलम और कॉपी लेके बैठिए। व्याख्या सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि मूल प्रश्न 40 है, लेकिन इन 40 प्रश्नों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि लगभग लगभग हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करें, हल करें, समझें। आप जानते हैं कि आगामी समय में आपकी बड़ी परीक्षा के एडमिट कार्ड इशू हुए हैं। लोअर पीसीएस की परीक्षा है जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष की श्रृंखला से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके अलावा यूपीएसआई है, उसके अलावा फिर हम लोग देखें तो आगे जो है पीसीएस का आपका पेपर है। तो जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली हैं, उत्तर प्रदेश विशेष उन सबके लिए एकदम बहुत ही आवश्यक है। यूपी टेट वाले भी जो भाई बहन हमारे देख रहे हो, वो भी इतना बात ध्यान रखें कि आपको भी उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो आपके सभी प्रश्न यूपी टेट में जो उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं वो आपकी श्रृंखला से कवर हो जाएंगे। लोअर पीसीएस और यूपीएसआई और पीसीएस के जो भी छात्र छात्राएं इसको देख रहे हैं वो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि इस श्रृंखला में से जो मैं आपको आज व्याख्या करूंगा, निश्चित रूप से अगले 6 से 7 दिन बाद जो आपके पेपर है या जो यूपीएसआई की आगामी परीक्षा है या जो पीसीएस की आगामी परीक्षा है, वहां पर प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आप सभी लोग आ चुके होंगे, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण सेशन की यूपी स्पेशल के। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बिंडम जलप्रपात निम्न में से कहां स्थित है? देखिए, बिंडम जलप्रपात निम्न में से कहां स्थित है, ये आपका प्रश्न है, आप लोग उत्तर करिए। तो चार ऑप्शन है, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, चित्रकूट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा मिर्जापुर। आप जानते हैं कि मिर्जापुर को जलप्रपातों वाला जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलप्रपातों वाला जिला कहा जाता है आपका मिर्जापुर को। अगर हम देखें तो विंडम तो एक जलप्रपात है, इसके अलावा यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक और जलप्रपात प्रमुख है जो आपसे पूछा जाता है, टांडा। एक है आपका कुहेसरा, टांडा, कुहेसरा, और एक है आपका यहां पर देवदारी। तीन जलप्रपात और प्रमुख रूप से यहां पर पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है बताइए, टांडा, कुहेसरा और देवदारी, है ना, और विंडम। ये चार जलप्रपात मिर्जापुर के प्रमुख जलप्रपात हैं। चंदौली में भी यहां पर एक जलप्रपात पाया जाता है जिसको आप कहते हैं राजदारी। क्या कहते हैं? राजदारी जलप्रपात, जो कहां पाया जाता है आपका, चंदौली में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वो सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, मिर्जापुर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी निम्न में से कौन सी है? उत्तर करें आप लोग, और नदियों से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम इसी प्रश्न में एक साथ समेट लेंगे। जो जो भी क्वेश्चन आपके नदियों से संबंधित है वो इसी प्रश्न के साथ आपके हल हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी जो है, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, वो यमुना है, है ना। कौन सी नदी है? यमुना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नदियों से संबंधित हम लोग यहीं क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी नदी है गंगा। कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है? गंगा। लगभग उत्तर प्रदेश के 28 नगर गंगा नदी के किनारे हैं और लगभग 19 नगर आपके जो हैं वो यमुना नदी के किनारे हैं। 28 नगर गंगा नदी के किनारे और 19 नगर यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का निर्माण करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य की सीमा का निर्माण करती है? तो आप कहेंगे यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की सीमा का निर्माण करती है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में किस जिले से होता है या गंगा किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो गंगा विजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? विजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश होता है। चंबल यहां पर एक नदी लिखी है, चंबल उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो तीन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। किस किस का? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान। चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो यहां से संबंधित थी। और दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। कानपुर जो है, लिख लीजिए, कानपुर दाहिने तट पर स्थित है गंगा के,
और वाराणसी जो है वो गंगा के बाएं तट पर स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, कानपुर जो है गंगा के दाएं तट पर स्थित है और वाराणसी जो है वो गंगा के बाएं तट पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहां पर दे दूं, आपकी जो राजधानी लखनऊ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे लखनऊ जो आपकी राजधानी है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। और गोमती नदी के तट पर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर तीन शहर आपके स्थित है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये तीनों ही कहां पर है बताइए? गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यमुना था, लेकिन इस प्रश्न के साथ हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियों को कलेक्ट किया। ये सारी जानकारियां आप छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका तीसरा प्रश्न है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है ना? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? गौर से देखिए, रामगंगा बांध है ना, ये 128 मीटर है। रामगंगा बांध 128 मीटर है और इसका निर्माण रामगंगा नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है? इसका निर्माण रामगंगा नदी पर हुआ है। और ये कितना है बताइए? 128 मीटर है। अगर मैं आपसे कहूं ये कहां पर है, तो ये बिजनौर में है। अभी मैंने बताया जहां से गंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में होता है। रिहंद बांध जो है ये सोनभद्र पिपरी में है और ये रिहंद नदी के ऊपर है। रिहंद नदी के ऊपर है और इसकी उपस्थिति कहां पे है? ये सोनभद्र पिपरी में है। माता टीला जो बांध है ये ललितपुर जिले की सीमा पर आता है, ललितपुर झांसी जिले में आता है और ये बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है। और जिरगो जलाशय जो बांध है, ये जिरगो जलाशय बांध आपका मिर्जापुर में है और ये जिरगो एक नदी है, छोटी सी नदी है जिरगो, ये जिरगो के ऊपर बनाया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? रामगंगा बांध है। और रामगंगा बांध जो है 128 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए कहां स्थित है? बिजनौर में स्थित है। आइए चौथे प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। लिखा है, निम्न में से पहला पक्षी विहार कौन सा है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका चौथा, और यहां से कई बार प्रश्न आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में निर्मित हुआ था और ये उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव में है। और ये सबसे पुराना या सबसे पहला पक्षी विहार है, तो इसका सही उत्तर होगा ये। लेकिन यहां पर जितने भी पक्षी विहार आपके लिखे हुए हैं ये सब महत्वपूर्ण है और सब किसी न किसी चीज के लिए महत्वपूर्ण। जैसे बैंती पक्षी विहार, अगर हम ये देखें तो बैंती पक्षी विहार है, ये 2002 में निर्मित हुआ है और ये सबसे नया है, सबसे नया है ना, इसके बाद फिर कोई पक्षी विहार नहीं आया, तो सबसे नया है। और ये कहां पर है? कुंडा प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? कुंडा प्रतापगढ़ में है। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं लाख बहोसी पक्षी विहार, तो लाख बहोसी जो पक्षी विहार है कन्नौज में है ना, कन्नौज में है और ये 1988 में निर्मित हुआ था। कन्नौज में है, 1988 में निर्मित हुआ था। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है आपका, तो लाख बहोसी पक्षी विहार है जो कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा में है। क्लियर। और इसकी विशेषता यह है कि सबसे छोटा है ना। तो आपने चार जानकारियों को अर्जित किया, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे नया और सबसे छोटा। और ये चारों आपको याद रखने, क्योंकि चारों में से कोई भी जो है महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपसे पूछी जा सकती है। आइए पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है? क्लियर। तो आप अच्छे से जानते हैं इस प्रश्न को, कई बार आपने जब यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे तो हल भी किया होगा। बताइए देवा शरीफ जो मेला है कहां पर आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर आपका है कहां पे बताइए? बाराबंकी में। कहां पे आयोजित होता है देवा शरीफ आपका? तो आप कहेंगे बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। बहराइच में भी एक मेला लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सैयद सालार, है ना, आप इसके बारे में भी अच्छे से पढ़े हैं, सैयद सालार। क्लियर। बलरामपुर में भी एक मेला लगता है, इसको हम लोग कहते हैं बलरामपुर के मेले को देवी पाटन। क्या कहते हैं? देवी पाटन के मेले का आयोजित कहां किया जाता है? बलरामपुर में। और आगरा में जो पशु मेला लगता है जिसको आप कहते हैं
बटेश्वर पशु मेला जो ऊंटों से और पशुओं से संबंधित है। तो चारों जगह जो चार मेले लगते हैं उन चारों मेलों को मैंने आपको क्लियर किया, आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। हाँ, बलरामपुर में देवी पाटन और आगरा में कौन सा बटेश्वर, बहराइच में सैयद सालार, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, बाराबंकी हो जाएगा। जो मैं आपको प्रश्न केवल बता रहा हूं वही याद नहीं रखना है, पेन कॉपी लेके बैठिए, बाकी चीजें भी आपको याद रखनी है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इस प्रश्न में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, है ना। तो ध्यान से रखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो निर्माण था वो कब हुआ था, 1887 में हुआ था, कब हुआ था 1887 में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ था वो 1916 में हुआ था। बाकी जो दोनों ही विश्वविद्यालय हैं वो इसके बाद के हैं, है ना, वो इसके बाद के हैं। तो इस हिसाब से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपका कौन सा हो गया, तो आपका उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है आपके प्रदेश का। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अगले प्रश्न पे आने से पहले मैं एक सूचना आपको दे दूं। जैसे आप जानते हैं कि संस्था में यूपीएसआई से संबंधित बैच जो है लगातार संचालित हो रहा है, जो भी सदस्य अगर मान लीजिए यूपीएसआई में एडमिशन लेना चाहे तो वो एक आसान सी प्रक्रिया को देख लें, ये भी संस्था से जुड़ी जरूरी जानकारियां हैं जो आपको देनी है। यहां पर मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर है, इसको आपको अपने मोबाइल में सेव करना है। यूपीएसआई का बैच धमाकेदार चल रहा है, कल हम लोगों ने एक प्रमोशन डाला था, आपने देखा, और यूपीएसआई के सभी जो लोग छात्र छात्राएं उसमें पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने कमेंट से आपको बताया कि कितने अनुशासित रूप में वहां पे पढ़ाई चल रही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर केवल एंट्री यूपीएसआई लिख के भेजना है, क्या लिखना है, एंट्री यूपीएसआई व्हाट्सएप पर, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर एंट्री यूपीएसआई लिख के भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत छोटा सा बैच जो है अभी चला हुआ है, हफ्ते भर की बात है, आराम से किया जा सकता है, तो आप यहां पर आराम से अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए देर मत करिए, ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मई 1, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया, तो देखिए बलिया, हम लोग अच्छे से जानते हैं कहां प्रारंभ किया गया, बलिया, है ना, बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, 5 करोड़ महिलाएं जो, या 5 करोड़ परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराना है ना। बाद में इस लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 8 करोड़ कर दिया गया है, और इस समय गवर्नमेंट 8 करोड़ के नए टारगेट पर काम कर रही है, क्लियर। एक तो एक बात हुई, हम जानते हैं कि जब लकड़ी से और कंडी से खाना पकाया जाता है तो वो महिलाओं को अलग अलग तरीके से नुकसान करता है और उनकी जीवन प्रत्याशा कम होती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना निकाली थी जिसको आपने कहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहां पर आप कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका तो सही उत्तर आपने कहा क्या होगा, बलिया, उज्ज्वला योजना 3 है। अगर आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये गैस से संबंधित है, जिसका उत्तर भी आपने किया। अगर कभी लिखा हो डिस्कॉम उज्ज्वला योजना, ध्यान रखिएगा, डिस्कॉम उज्ज्वला योजना, डिस्कॉम उज्ज्वला योजना जो आपकी है वो गैस से संबंधित नहीं है, ये बिजली से संबंधित है, और ये शहरी क्षेत्रों की बिजली से संबंधित है। कहां से, शहरी क्षेत्रों की बिजली। अगर लिखा हो केवल उज्ज्वला योजना, ध्यान रखिएगा, केवल उज्ज्वला योजना लिखा हो, ना तो डिस्कॉम लिखा हो ना तो प्रधानमंत्री, तो ये मानव तस्करी को रोकने से संबंधित है। किससे, मानव तस्करी। तो उज्ज्वला योजनाएं जो है वो 3 है ना, अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और गलती होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो जहां भी डिस्कॉम लगा हो किसी भी योजना के साथ, तो डिस्कॉम का मतलब ही होता है बिजली, तो इसको आप बिजली से संबंधित कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या था, बलिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न, भारत कला भवन संग्रहालय कहां अवस्थित है, ठीक है ना। देखिए भारत कला भवन संग्रहालय, भारत नाम से 2 कलाकृतियां हैं और दोनों ही वाराणसी में है, हम आपको याद कर, वाराणसी में है,
भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। और 1920 में कृष्णदास राय द्वारा, किसने? कृष्णदास राय जी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, है ना। तो एक तो आपका ये हो गया भारत कला भवन, एक है आपका भारत माता मंदिर, ये भी आपसे पूछा गया है। तो भारत माता मंदिर भी आपका वाराणसी में स्थित है और 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो इन दोनों ही प्रश्नों को अगर हम लोग देखें, भारत कला भवन संग्रहालय और भारत माता मंदिर, तो इन दोनों की अवस्थिति कहां पे है? वाराणसी में। एक 1920 का है कृष्णदास राय जी द्वारा, एक 1936 में किसने शिलान्यास किया था? महात्मा गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न आपका सारनाथ स्थित है, बताइए सारनाथ के बारे में आप लोगों ने खूब सुना है। सारनाथ स्थित है, देखिए सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में, है ना। और इसमें ये भी कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है का सारनाथ। ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। इनके इस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। तो ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख क्या था, जो है स्थान था। मौर्य सम्राट, महान मौर्य सम्राट अशोक कई बार यहां पर आए, उन्हें एक स्थान पसंद था और उन्होंने यहां पर कई स्तूप, है ना, कई स्तूप और स्तंभों का निर्माण कराया। उन्होंने यहां पर कई स्तूप और स्तंभों का क्या कराया? निर्माण कराया, जो राष्ट्रीय महत्व की चीजों के रूप में अभी भी अवस्थित है। बौद्ध साहित्य में इस स्थान का नाम ऋषिपत्तनम मिलता है, बौद्ध साहित्य में इस स्थान को ऋषिपत्तनम नाम से संबोधित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, आइए। ये लोक संस्कृति के विषय है। बिरहा भोजपुरी में ही गाया जाता है, बिल्कुल सही है। कजरी अवधी भाषा की है, बिल्कुल सही है। मल्होर जो है या मल्हार जो है ये ब्रजी भाषा में गाया जाता है, सही है। रसिया जो है ये कौरवी भाषा का है, बिल्कुल चारों सही है और चारों आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है बिरहा किस भाषा से संबंधित है, भोजपुरी। कजरी अवधी से संबंधित है। मल्हार जो है या मल्होर जो है वो ब्रजी भाषा से संबंधित है और रसिया जो है वो कहां से संबंधित है, कौरवी से संबंधित है। तो कुछ अलग से सुमेलित नहीं करना है, सूची एक सूची दो से बिल्कुल सुमेलित है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए ग्यारहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत उस समय था में किस वर्ष आरंभ हुआ, है ना। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1866 में। हम सभी लोगों को पता है 1866 में जो है मौलाना हुसैन अहमद जी द्वारा, किसके द्वारा? मौलाना हुसैन अहमद जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, मौलाना हुसैन अहमद जी द्वारा इसको प्रारंभ किया था। और इसी के साथ आप देखते हैं दारुल उल उलूम की स्थापना भी की गई थी, है ना। तो 1866 में उस समय के संयुक्त प्रांत में मौलाना हुसैन अहमद और दारुल उल उलूम की स्थापना भी इसी के साथ आपकी की गई थी। तो इस प्रश्न में यह भी आपसे पूछा गया है परीक्षा में, इनका नाम भी पूछा गया है कि देवबंद आंदोलन के संयोजक कौन थे, किसके द्वारा, और सन भी आपसे पूछा गया है। तीनों चीजों को आपको यहां पर याद रखना है। बारहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आइए देखिए। जोश, जोश महिलावाद से संबंधित थे, बिल्कुल सही है, मलिहाबाद से संबंधित थे। रघुवती साय फिराग कानपुर से संबंधित बिल्कुल नहीं थे, इनको हम फिराग गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, फिराग गोरखपुरी। तो ये जो फिराग साहब थे, रघुपति साय फिराग, आर एस फिराग, ये गोरखपुर से संबंधित थे, ये कानपुर से संबंधित नहीं थे। जिगर मुरादाबाद से संबंधित थे, जिगर मुरादाबादी हम इनको कहते हैं। और चकवस्त लखनऊ से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। केवल एक इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा? फिराग साहब गोरखपुर से संबंधित थे और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक थे। आइए आगे बढ़ते हम लोग तेरहवें प्रश्न की तरफ। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही, है ना, ये तो आसान है। दो महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही, है ना। सबसे पहले रही सुचेता कृपलानी 66 और 67 के समय में। कौन? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी जो थी वो ना केवल उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी बल्कि
भारत राष्ट्र में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि इस पूरे भारत राष्ट्र में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। और दूसरी जो मुख्यमंत्री रही वो रही मायावती, है ना। मायावती जी दूसरी मुख्यमंत्री रही और मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, है ना। वर्तमान समय में भी वो राजनीतिक अभी जो है उनकी राजनीति अभी बची हुई है, लेकिन इससे पहले वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, 2 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, है ना। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में मंडलों की और जनपदों की संख्या है 18 और 75, है ना। 18 आपके मंडल हैं, 18 मंडल हैं और 75 आपके जिले हैं, क्लियर है। और सबसे नवीनतम जो मंडल है 18वां, वो सबसे नवीनतम जो मंडल है वो है अलीगढ़ आपका। कौन सा है? अलीगढ़, ध्यान रखिएगा। और जिले जो सबसे नवीनतम है वो 3 है, कौन कौन से? हापुड़ है आपका, है ना, संभल है और शामली है। जो 3 नए जिले आपके बने थे कौन कौन से? हापुड़, संभल और शामली। तो इसका सही उत्तर आपका होगा 18, 75। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन कई बार आपसे पूछा गया है, 1974 में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 1974 में इसकी स्थापना की गई। आइए, यूपी टेट के भी भाई बहन सदस्य हम लोगों को देख रहे हैं, यूपी टेट का भी बैच संचालित हो रहा है। जो लोग एडमिशन लेना चाहे वो यूपी टेट की प्रक्रिया को पालन करके एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर हैं, किसी भी नंबर पर आप बात करके यूपी टेट के नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। नए बैच को 2 तारीख से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उसमें 2 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं और एडमिशन लेने की प्रक्रिया अनवरत उसमें जारी है। आइए, गीडा क्या है? क्या लिखा है? गीडा, है ना, GIDA, गीडा। चलिए, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कंफ्यूज मत होइएगा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 को की गई थी। कब की गई थी? 30 नवंबर 1989 को की गई थी। इस विकल्प में बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना। तो कौन सा सही है? बी आपका सही है, पूछा जा चुका है आपसे। सभी प्रश्न जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रहण करता है? तो सबसे ज्यादा जो कर संग्रहण करने वाला जोन है वो आपका लखनऊ है ना। लखनऊ पहले नंबर पर है कर संग्रहण में, इसके बाद कानपुर आपका 2 नंबर पर है, गाजियाबाद आपका 3 नंबर पर है और नोएडा कर संग्रहण के मामले में 4 नंबर पर है। यदि हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को टोटल 14 कर जोनों में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने कर जोन हैं, तो उत्तर प्रदेश में 14 कर जोन हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कर का संग्रहण किस जोन से होता है, बजट में क्लियर हुआ, लखनऊ से आपका होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बताइए। उत्तर प्रदेश की सीमा हम सभी लोग जानते हैं कि कुल 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से, है ना, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है आपका, जिस केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? दिल्ली। तो 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है ना। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। फिर यहां पे लिखा है आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, किससे नहीं लगती है? तो देखिए, पंजाब के साथ हमारी सीमा नहीं लगती है ना। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? पंजाब के साथ नहीं लग सकती, लगती है, क्लियर। और कुछ जानकारियां इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनाता है? वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ, है ना। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनाता है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा होती है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ साझा होती है, एक बात। दूसरी बात, सबसे छोटी जो सीमा है वो किसके साथ आपकी बनती है? हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। किसके साथ बनती है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के साथ जो सबसे छोटी सीमा है उसको बनाने वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर जिला है। कौन सा जिला है? सहारनपुर जिला है, क्लियर। तो सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को कौन से जिले से? सहारनपुर जिले से इसकी सीमा आपकी कनेक्ट होती है। चलिए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं
कि वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है, तो आपका उत्तर होगा देखिए सोनभद्र। क्या होगा? सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो चार राज्यों को छूती है। किस किस को छूती है? चार राज्यों को छूती है। अगर मैं आपसे कहूं कि किस किस को छूती है तो बताइए, चार राज्य जो आपके हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कहां कहां छूती है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्लियर? तो ढेर सारी जानकारी आपने यहां पे इकट्ठी की। सोनभद्र की जो जिला है सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला जिला है, चार राज्य किया। तो ये कुछ जानकारी थी जो हम लोगों ने यहां पर इकट्ठी की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 19वां प्रश्न है। आइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? चलिए आइए एक ग्राफ कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पूर्वी शहर जो उत्तर प्रदेश का है वो है आपका बलिया, है ना। यहां पर किसकी स्थिति है बताइए? बलिया। यहां पर किसकी स्थिति है? आपकी शामली। यहां पर किसकी स्थिति है? आपकी सहारनपुर। सहारनपुर। और यहां पर किसकी स्थिति है? आपकी सोनभद्र। सोनभद्र। अभी आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया। और इसकी सीमा किससे जुड़ती है? आपकी बिहार से जुड़ती है। क्लियर? सहारनपुर अभी मैंने आपको बताया किसके साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ता है। शामली, जब मैंने आपसे अभी बताया था कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है, मैंने अभी आपको बताया था, तो शामली के पीछे से ही वो यमुना नदी ऐसी निकलती है। तो शामली किससे कनेक्ट होता है? तो आप कहेंगे हरियाणा से, है ना। और सोनभद्र तो मैंने बताया कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो चार राज्यों से कनेक्ट होता है। उन चारों राज्यों का मैंने आपको अभी हाल नाम बताया, क्या? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला आपका क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र के साथ एक और जिला आपका मैप में देखते हैं तो ऐसा लटका होता है, एक जिला है आपका ललितपुर, है ना। लेकिन ललितपुर की अवस्थिति थोड़ी सी ऊपर है और सोनभद्र की नीचे सब स्थिति थोड़ी सी नीचे है, इसलिए सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला हो गया। ललितपुर भी तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर जिला तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आइए नोट कर लीजिए इन चीजों को, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न से आने से पहले यहाँ पे देखिए, ये मेरी रीजनिंग की किताब है, संस्थान द्वारा लगाया गया, तो इसके बारे में भी मैं दो बातें बता दूं, आप नाराज मत होइएगा। वैसे आप सभी लोगों को मालूम है ये एक रीजनिंग की बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिएगा यहाँ पर इस किताब को वर्बल, नॉन वर्बल और जो है एनालिटिकल तीनों भागों के लिए लिखा गया है। अगर हम लोग देखें तो 9452275777 ये एक फोन नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए बुक लिखकर या आप कॉल कर दीजिए तो ये किताब आपके घर पहुंच जाएगी। इस किताब को लेने के बाद आपको अपने पूरे जीवन में रीजनिंग के लिए कुछ नहीं लेना है। मेरे स्वयं के द्वारा लिखित है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल तीनों है, बिल्कुल आसान भाषा में जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे दिया गया है। कॉन्सेप्ट भी है प्लस प्रैक्टिस सेट भी इसमें समाहित है। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देते हो, आप चाहे वो PCS, IAS, CSAT, बैंक PO, UPSSC, SSC, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी राज्य के एग्जाम के लिए संपूर्ण किताब आपकी रीजनिंग की है ना। तो इस समय ये डिस्काउंट में आपको भेजी जा रही है, डिस्काउंट ऑफर है, कोरियर मेरी तरफ से फ्री है। आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहते हो, आप किताब को इस फोन से ऑर्डर कर दीजिए, 7 से 10 दिनों में किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी, कोरियर या इंडियन पोस्ट द्वारा पहुंचाई दी जाएगी। कोरियर और इंडियन पोस्ट ये दोनों ही मेरी तरफ से, संस्थान की तरफ से फ्री है, इसका पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। किताब काफी कम दामों में आपको भेजी जा रही है, संस्थान की तरफ से ऑफर में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 19 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं और 20वें प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ रहे हैं। तो आइए 20वें प्रश्न पर एक बार बात कर लेते हैं। 20वां प्रश्न अब आपके सामने है। यहां पे देखिए लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपके लिए लिखा है,
कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही सुमेलित करिए। देखिए लच्छू महाराज है ना, लच्छू महाराज अगर हम लोग देखें तो इनका संबंध किससे है, तो आप इनको कथक से संबंधित कर दीजिए। तो सबसे पहले आपका जो ए है ए तीसरे के साथ चला जाएगा, क्लियर, ए थ्री के साथ। फिर दूसरा है फयाज खान साहब है ना, फयाज खान साहब ध्रुपद से संबंधित है ना, तो आपका जो बी है वो बी पहले के साथ चला जाएगा है ना। फिर आपका सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी से संबंधित है, हम सभी लोग जानते हैं सुठुमरी की प्रसिद्ध जो है हाँ कलाकार है, तो सिद्धेश्वरी देवी जो आपका सी है वो फोर के साथ चला जाएगा। अब एक ही बता, तलत महमूद साहब, तो हम सब लोग जानते हैं कि तलत महमूद साहब क्या करते थे, गजल करते थे, तो ये जो डी है वो आपका दूसरे के साथ चला जाएगा। तो इसका सही सुमेलित रूप ये है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, लच्छू महाराज कथक के साथ, फयाज खान साहब ध्रुपद के साथ, सिद्धेश्वरी देवी जी ठुमरी की जो है कलाकार है, और तलत महमूद साहब गजल गायक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, 21वां प्रश्न जो आपका, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए। देखिए किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप बताइए। पहले तो हम लोग देखते थे थारू की जनसंख्या सबसे अधिक थी, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद आप इसको गलत नहीं करेंगे, गोंड जनजाति की संख्या जनसंख्या सबसे अलग है ना, गोंड जनजाति की संख्या जनसंख्या सबसे अलग है। सहरिया जो है ये मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में पाई जाती है, क्लियर है। धुरिया जो है ये सिद्धार्थ नगर में पाई जाती है, ये जनजाति कहां पाई जाती है, सिद्धार्थ नगर की जनजाति है, क्लियर। थारू अगर हम लोग देखें तो ये उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तराई में रहने वाली जाती है थारू है ना। और थारू किसे एक और से जो है आपका क्वेश्चन संबंधित होता है, ये दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाती है, दीपावली के त्योहार को ये शोक के रूप में मनाती है। ये हिंदुओं को तो मानते हैं, लेकिन दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। उस दिन ये अपने अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं, उस भेंट को रोटी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, गोंड होगा, ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। आइए 22वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी का जो प्रथम पत्रकारिता पत्र कौन सा था, बनारस अखबार 1845 है ना, ये हिंदी था, साप्ताहिक था, साप्ताहिक हिंदी पत्र था ये, क्लियर, एक बात तो ये ध्यान रखिए है ना। और इसको राजा शिव प्रसाद जी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, जिनकी उपाधि थी सितारे हिंद, जिनकी उपाधि थी क्या बताइए, सितारे हिंद। उदंड मार्तंड जो था ये 1826 में प्रकाशित हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश का आप पहला पढ़ रहे हैं, ये भारत का पहला था, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और ये भारत का पहला जो है पत्रकारिता पत्र था, समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन पंडित युगल किशोर जी द्वारा किया गया था, और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित थे, कहां से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है ना, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, कहां पर, ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहां मिलता है, ललितपुर में प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन, देखिए खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में से देखा जाए तो एक निर्धन राज्य है, पूरे देश का 1% खनिज केवल उत्तर प्रदेश में होता है, फिर भी अगर हम लोगों को निकालना हो तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये दो खनिज जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर झांसी और सोनभद्र के जिलों से पाए जाते हैं, कहां-कहां से, मिर्जापुर झांसी और सोनभद्र के जिलों से पाए जाते हैं, फिर भी हम देखें तो ये बहुत कम है, 1% है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 24वें प्रश्न की तरफ, देखिए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है, देखिए उत्तर प्रदेश अगर खनिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक निर्धन राज्य है, अपना राज्य खनिज के दृष्टिकोण से निर्धन राज्य है। देश के जो कुल खनिज है 100% खनिज को अगर हम देश का खनिज मांगे तो उसका 1% ही यहां से प्राप्त आपका होता है, क्लियर। फिर भी अगर इसका सही उत्तर करना हो तो हम लोग करेंगे लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये तीन स्थानों से आपका पाया जाता है, कहां पे बताइए, मिर्जापुर, अभी हम लोगों ने यूरेनियम की चर्चा की थी ललितपुर से, ये मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा तीन स्थानों से प्राप्त होता है, क्लियर है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी।
25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, हाँ चलिए इसका उत्तर कर दीजिए, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे 25वें का उत्तर होता है, लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी मिर्जापुर झांसी में, और इसके अलावा एक जिले को और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सोनभद्र, है ना, सोनभद्र में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक को आप कहते हैं परवा और एक को आप कहते हैं रक्कर, दो प्रकार की होती है, एक को हम लोग क्या कहते हैं परवा और एक को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, रक्कर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26वां, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किस किस में? देखिए भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान गन्ना में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है, फर्रुखाबाद में होता है, गेहूं में प्रथम स्थान है, धान में इसका द्वितीय स्थान है। क्लियर, धान में इसका द्वितीय स्थान है। यहां पर मैं कुछ चीज और स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक फसल जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल वो आपकी क्या है बताइए, गन्ना है, है ना, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो क्या है आपका, गेहूं है, इन दोनों का प्रथम स्थान है। आलू उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खूब होता है, जो लोग फर्रुखाबाद से हो वो बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए आलू का प्रथम स्थान है, धान का यहाँ पर द्वितीय स्थान है। आइए धान का द्वितीय स्थान है। 27वां प्रश्न कितना, उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध जो है ये झांसी के पास बेतवा नदी पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? बेतवा नदी पर अवस्थित है, जिसको वहां पर बेत्रवती भी कहा जाता है। इस नदी का नाम जो वहां पर है, वहां पर इसको बेत्रवती नदी भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो है आपकी सारदा नहर। कौन सी नहर है? सारदा नहर। क्लियर, जो वहां पर सारदा नदी से निकलती है, सारदा नदी है ना, जहां क्षेत्रीय भाषा में इसके दो उपनाम और मिलते हैं, वहां पर इसको काली नदी या महाकाली नदी भी कहा जाता है, काली नदी या महाकाली नदी भी कहा जाता है, याद ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है वो कहां पे है? सारदा, इसको काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है, और इसका जो कहां से निकलती है, ये पीलीभीत में, पीलीभीत के वनवासा नामक स्थान से निकलती है, पीलीभीत के वनवासा नामक स्थान से निकलती है। 1920 से 1928 के बीच इसका निर्माण किया गया था, और ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है सारदा नहर। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनल का अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मेरे ख्याल में कम 10 बार यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इटावा होगा। इसका सही उत्तर आपका क्या है? इटावा। इसका कारण भी है, ऐसा क्यों है पहले तो ये समझ लें। देखिए इटावा जो है ये यमुना और चंबल दोनों के क्षेत्र में पड़ता है ना, चंबल नदी बहुत घुमावदार है ना, और इटावा में चंबल नदी के बहुत घुमावदार होने के कारण से ये गड्ढों का निर्माण करता है। क्या? गड्ढों का निर्माण करता है, जिससे बीहड़ का निर्माण होता है, और जो बीहड़ होते हैं वो अवनाल का अपरदन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये बीहड़ों का जो निर्माण होता है वो चंबल के कारण होता है, क्योंकि चंबल यहां पर बहुत घुमावदार जिगजैग सर्पीले मोशन में है। क्लियर, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? इटावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपका, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। चलिए अब आपको बताने हैं ये मेले आपके कहां से। देखिए कभी जब ऐसी चीज आए तो आपको देखना है कि एक अगर किसी चीज को आप लोग पहचान जाए तो फिर आपका यहां पर काम हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए कैलाश मेला आगरा में ही लगता है। क्लियर, आगरा में मैंने एक और मेला भी आपको बताया था, बटेश्वर पशु मेला। क्लियर, नौचंडी मेला मेरठ का ही है, बिल्कुल सही है। कलिंजर बांधा, कलिंजर का किला बीरबल को दिया गया था जीत के अकबर के समय में, है ना, तो ये बांदा, और सोनो मेला एटा, ये चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इसमें कहीं भी कोई सही सुमेलित करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये बिल्कुल सही है आपके। क्लियर, आइए 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए 31वां प्रश्न है आपका यहां पर, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए निम्नलिखित नृत्यों में कर्मा, कर्मा महोबा में नहीं होता है ना, ये गलत। कर्मा सोनभद्र के आदिवासियों का नृत्य है, सोनभद्र के आदिवासी समूह का नृत्य है, आदिवासी समूह द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ना।
धुरिया बुंदेलखंड के ढीमरों द्वारा एक विशेष प्रकार के परिधान पहन कर नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड के ढीमर जो जाति होती है उसके द्वारा धीवर कहार बिल्कुल सही है, कहार धीवर करते हैं। नटवरी पूर्वांचल में नटवरी खेली जाती है, बिल्कुल सही है। तो कर्मा जो है वो सोनभद्र से संबंधित है, सोनभद्र की आदिवासी समाज से संबंधित है। महोबा इसमें गलत है ना। तो 31 में का एक उत्तर आपका क्या होगा बताइए। हाँ पहला हो जाएगा। चलिए 32 में आते हैं। 32 मेरठ जनपद में आलमगीरपुरम से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री किसे प्रतिबिंबित करती है। आलमगीरपुरम हम सब जानते हैं हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है ना। इसकी जो है खुदाई 1952 में हुई थी और इसकी खुदाई प्रसिद्ध पुरातत्वविदता यज्ञ दत्त शर्मा जी द्वारा कराई गई थी ना। यह जो है आलमगीरपुरम हिंडन नदी के तट पर है ना। हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन या हिंडन जो यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी के। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति इसका सही उत्तर हो जाएगा। आहला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है ना, बुंदेलखंड का। किसका, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में महोबा के दो भाई आलहा और उदल, ये दो भाई थे आलहा और उदल, इनकी विजय गाथा को आलहा कहा जाता है। इनकी वीरता की गाथा को या विजय गाथा को बुंदेलखंड में गाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, आलहा कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है बताइए, बुंदेलखंड से संबंधित है महोबा। चलिए उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। सीधे सीधे याद रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया था है, 900 कृषि जलवायु क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं। कितने जलवायु क्षेत्र, 9। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, 9 हो जाएगा आपका। आइए 35वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी। देखिए लखनऊ से शुरू होकर हम सब जानते हैं गाजीपुर तक ये जाती है, क्लियर, लखनऊ से। इसमें फैजाबाद होता है, फैजाबाद जो अब आपका अयोध्या हो गया है, फैजाबाद भी है, आजमगढ़ भी है, मऊ भी है, इसमें बस्ती नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, बस्ती इसमें नहीं है। एक तो ये जानकारी आपकी हो गई, ठीक है। दूसरी बात, 14 जुलाई 2018 को कहां पे, 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि सपा गवर्नमेंट के समय में आपका बनाया गया था हाँ, लेकिन आजमगढ़ जिले के सुंदरी नामक स्थान पर, आजमगढ़ जिले के सुंदरी नामक स्थान पर इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2018 को भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। लगभग 353 किलोमीटर का ये है और इसमें सुल्तानपुर के पास 4.70 लगभग 5 किलोमीटर की एक सैन्य पट्टी भी बनाई गई है। क्या बनाई गई है, सैन्य पट्टी भी यहाँ पर एक बनाई गई है, जिस पर आपने देखा था जहाज उतरते थे, सेना के जहाज उतरते थे, इसकी मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए ये कारनामा भी इस रोड पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में, कहां पर है, शाहजहांपुर में, याद रखिएगा, क्लियर है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 37वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। जापानी इंफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है और ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसकी स्थापना की गई है। आइए 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप लोग भी उत्तर गए। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहां स्थित है बताइए, कानपुर में, लखनऊ में, कहां पे स्थित है बताएं। तो आपका सही उत्तर होगा आगरा में और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, मतलब काफी प्राचीन विषय वस्तु है, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। 39वां प्रश्न है आपका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा केंद्र कहां पर है, मथुरा में अवस्थित है। ये प्रश्न पिछली बार आपसे पूछा गया है यूपी SSSC के लोअर के एग्जाम में, है ना, तो कहां पे, मथुरा में, ध्यान रखिएगा। और 40वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, सूची एक और सूची दो को सही सुमेलित करिए। तो अब आप बताइए बटेश्वर का मेला कहां पर, बताइए आगरा में, है ना। तो इसके साथ हम किसको जोड़ देंगे, तीसरे को जोड़ देंगे। चलिए फिर आप बताओ
देवीपाटन का मेला कहां पर? बाराबंकी। क्लियर। हरिदास जयंती कहां पर? वृंदावन में। इसके साथ चौथे को जोड़ दीजिए। और नौचंडी कहां पर बताइए? मेरठ में। इसके साथ दूसरे को जोड़ दीजिए। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, इसका सही क्रम होगा। तो आज इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने था। कैसे आपको प्रश्न लगे आपने सुझाव दीजिएगा। टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लगातार जो है कार्य कर रहा है आप लोगों के लिए, जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आपके लिए प्रतिबद्ध है। आप दूर सुदूर क्षेत्र में कहीं भी हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक पहुंचे। क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, खूब शेयर करिए, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों तक एक वीडियो पहुंच सके। जल्दी ही अगली श्रृंखला के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मैंने पहले भी बताया, संस्थान में यूपी टेट और यूपीएसआई के बैच लगातार बेहतरीन तरीके से संचालित हो रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करके नए बैचेज में अपने एडमिशन को सुनिश्चित करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जल्द ही फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।